हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 14, दैट इज स्टैटिक्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे फर्स्ट फोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन जो नंबर हम 5 है, क्योंकि फर्स्ट फोर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए, रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर जो हैं वो बेच रहे हैं मैंगोस जो पैक हैं बॉक्सेस में। ये बॉक्सेस में अलग अलग नंबर हैं मैंगोस में, किसी में 15 है, किसी में 110 है, ये बताए गए हैं। नंबर ऑफ मैंगोस भी बताए गए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस बताए गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है हमें। आपने क्या करना है, यहाँ पे मीन नंबर निकालना है मैंगोस का पैकिंग बॉक्स में, और कौन सा मेथड आप यहाँ पे चूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल देखिए, ये आपको क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस में जैसे 52 था, 52 के बाद 52 नहीं आया, फिर से 53 आ गया। तो 50 यहाँ पर देखिए 55 था, 55 के बाद फिर से 55 नहीं आया, 56 आ गया। 1-1 का गैप आ रहा है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन देखे होंगे जो हमने पहले सॉल्व किए थे, 65 से 68, फिर 68 से 71 था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब हमें सबसे पहले इन इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। वो हम टेबल बनाएंगे, और मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे हाई है। ठीक है, वहाँ उस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। साथ में अप्रोप्रिएट मेथड भी बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड को, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो डाटा आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमने क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में से आपका 0.5 माइनस कर दिया है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया, ताकि ये कंटिन्यूस बन पाए। 52.5 आ गया, यहाँ पे 55.5, दोनों में देखिए सेम ही कंटिन्यूस हो गया। ये फ्रीक्वेंसी आपको नंबर ऑफ मैंगोस ऑलरेडी दिए गए थे। अब एक्स आई मीन्स क्लास मार्क जो होता है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय करना है 2। ये आपको 49.5 प्लस 52.5 जो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपका आएगा 51। नेक्स्ट 52.5 प्लस 55.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 54। 3-3 की डिफरेंस आएगी 57 के बाद 63। और ये समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने पहले गिवन दिया गया है। अब आपने निकालना डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, एज्यूमिंग जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। नंबर यहाँ पर देखिए 5 टर्म्स है, 2 ऊपर वाली छोड़ेंगे, 2 नीचे वाली छोड़ेंगे, सेंटर वाली टर्म्स आपकी कौन सी है, 57। इसलिए एज्यूमिंग यहाँ पर क्या आएगा आपका 57 आएगा। करते जाइए, एक्स आई माइनस 51 माइनस 57 दैट इज माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 67 आपका प्लस का 6। उसके बाद आ गया यू आई होता है डी आई अपॉन एच, डी आई आपका ये आया, एच आपका होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 की डिफरेंस आ रही है। 52.5 माइनस 49.5 करेंगे तो 3 आएगा, 55.5 माइनस 52.5 करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे 3-3 की डिफरेंस आ रही है, इसलिए आपका एच क्या होगा 3 होगा। तो माइनस 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ माइनस 2, फिर ये माइनस 1, फिर 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, 3 डिवाइड 6 डिवाइड बाई 3 2। अब आपने एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई माइनस 2 30, 110 इंटू माइनस 1 माइनस 110, 135 इंटू 0 115 इंटू 1 115, 25 टू 50। फिर आपने इसका समीशन भी निकालना है। जब आप इसका समीशन निकालेंगे एफ आई यू आई, वो आपका टोटल करके आ जाएगा 25 प्लस का। अब आपने निकालना है मीन, तो मीन का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा कि सारा टेबल पे डिपेंड है। फिर आपका मीन जो होता है इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका था स्टैंडर्ड डिविएशन का, इंटू एच, साथ में प्लस आपका एज्यूम मीन भी है। तो ये आपका आ गया समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका आ गया 25, ये आपका 400 था, ठीक है। और जो आपकी इंटरवल की डिफरेंस थी वो 3 था, एज्यूम मीन है आपका 57। यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है 25 16, ये 3/16 आ गया आपका, ये आ गया आपका 3/16 प्लस 57। 3 को जब 16 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा वो 0.1875, उसमें आपने ऐड करना है 57। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका आएगा 57.1875। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 57.19, ये आपका आंसर, ये पॉइंट भी आएगा यहाँ पे। और ये आपका आ गया मीन नंबर ऑफ मैंगोस। यहाँ पे आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जी थी फ्रीक्वेंसी की वो बहुत ही
ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये टेबल है दिया गया, यहाँ पर डेली एक्सपेंडिचर बता रहे हैं फूड का 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, मीन्स यहाँ पर टोटल आपको 25 घर बताए गए हैं जिनका डेली का कितना खर्चा होता है वो भी बताया गया। आपको मेन डेली एक्सपेंडिचर बताना है। सो ये टेबल कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी तो आपको सिंपल है, छोटी है। यहाँ पे आपका इंटरवल भी कंटिन्यूस है, 100 to 150, 150 to 200, मतलब ये कंटिन्यूस में दिए गए हैं आपको। लेकिन जब यहाँ से आप क्लास मार्क निकालोगे एक्सआई की वैल्यू आपकी बड़ी आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड है वही सुइटेबल रहेगा। आप दूसरे मैथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम मीन मैथड भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर तो आप उसी से उससे भी आपका सेव ही आएगा। जस्ट जो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए हम वही मैथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सआई की वैल्यू भी बड़ी आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड आपका यूज़ करेंगे। देखिए जो जो गिवन दिया गया था हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में, डेली एक्सपेंडिचर बताया गया है कि 100 से लेके 150 तक जो रुपीज़ तक खर्चा आता है फोर हाउसेस का, 150 से 200 तक जो एक्सपेंडिचर है वो फाइव हाउसेस का आता है, ये सब गिवन दिया गया था। अब हमने निकाला यहाँ पे एक्सआई, एक्सआई पता आपको इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। जैसे 100 + 150 250 हो गया, 250 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 125, उसी तरह 150 + 200 350 हो जाएगा, 350 / 2 दैट इज़ 175, 50-50 का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट आपका आएगा 225 + 50 = 275, 325। ये सब हमें गिवन दिया गया है और आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, समेशन आपको पता कितने घर थे टोटल आपके 25, ये भी इसकी नीड ज़रूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट आपका डी आई है आपका एक्सआई माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के देखिए फाइव टर्म्स हैं, दो ऊपर वाली छोड़िए तो सेंटर में टर्म्स आपकी आ रही है 225, ये आपका क्या होगा एज्यूम मीन होगा। बस कर दीजिए एक्सआई माइनस एज्यूम मीन, 125 - 225 दैट इज़ -100, 175 - 225 - 50, 225 - 225 = 0, 275 - 225 = 50, 325 - 225 = 100। ये आ गया आपका, फिर आएगा डी आई बाई एच, एच आपका होता है क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस आ रही है क्लास साइज़, वो आपकी 50-50 की आ रही है, तो डी आई को डिवाइड कर दीजिए 50 से, 50 - 100 / 2 - 2 - 1 = 0, 1, 2। जस्ट आपने इन सभी को क्या करना है 50 से डिवाइड करते जाना है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, -8, 5 × -1 - 5, 12 × 0, 0, 2 × 2 = 4। अब आपने यहाँ पे समीशन भी निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, इन जब सभी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे टर्म्स, तो ये आपका बचेगा -7। चलिए मेन निकाल लेते हैं। अब मेन का फॉर्मूला पता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में, मेन इक्वल्स टू एज्यूम मेन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल का साइज। यहाँ पे ए एज्यूम मीन था आपका 225, ये आपकी आई है -7 वैल्यू, समीशन एफ आई था आपका 25 इंटू एच आपका इंटरवल का साइज था 50, 25 × 1 = 25, 2 × 70, 7 × 2 = आपका 14 हो जाएगा, 225 - 14 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 211। तो ये आपका आ गया मेन डेली डेली का जो भी एक्सपेंडिचर था एक घर का वो इतना है 211 मेन डेली एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन बताई है सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में, यूनिट हाउस के पार्ट्स पर मिनट ppm करके। तो डाटा जो 30 लोकेलिटीज़ का रिकॉर्ड किया गया है सिटी का वो ये दिखाया गया है यहाँ पे। आपको मेन कंसंट्रेशन निकालनी है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड ही यूज़ कर रही हूँ, आप एज्यूम मीन मैथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में है नंबर तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप गिवन दी गई थी, फ्रीक्वेंसी भी है, कंसंट्रेशन जो है वो दी गई है सल्फर डाइऑक्साइड की, आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूस में ही है, ये आप इंटरवल देख सकते हैं। एक्सआई निकालिए क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप ये आपका आएगा 0.02, 0.06, इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड बाय 2 करते जाना है, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया अज्यूमिंग का, देखिए यहाँ पे टोटल 6 टर्म मैंने आपको बताया था, आप बीच में जो भी 2 टर्म बचती हैं उनमें से किसी को भी आप अज्यूमिंग लेके चल सकते हो, जिसको भी लेके चलोगे आंसर सेम आएगा।
मैं यहाँ पे 0.14 को अज्यूम इन लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिया, अब एक्स आई माइनस अज्यूम इन 0.02 माइनस 0.14, जब माइनस किया तो ये आपका आएगा माइनस का 0.12, नेक्स्ट आपका आएगा माइनस का 0.08, 0.10 माइनस 0.14 दैट इज़ 0.04 माइनस का ये ज़ीरो आ जाएगा, ये आपका 0.04, ये आपका 0.08। उसके बाद यू आई डी अपॉन एच, एच मीन्स आपके क्लास इंटरवल का साइज़। आप देख सकते हैं इनमें कितनी डिफरेंस आ रही है, इनमें 4-4 की डिफरेंस आ रही है, 0.04 की डिफरेंस आ रही है। जब आप इनको डिवाइड करोगे 0.04 से तो ये आपका आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस 1 0 0 सॉरी 0 1 एंड 2। उसके बाद आपने एफ आई और यू आई इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 12 9 टू ज़ा माइनस 18 9 वन ज़ा 9 2 ज़ीरो ज़ा 0 4 वन ज़ा 4 2 टू ज़ा 4। और जब आप यहाँ पे निकाल लेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई, इन सभी टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करके आपका लास्ट में आएगा माइनस 31। फिर आपने निकालना है मीन, मीन निकालना है यहाँ पे, मीन की वैल्यू आपको पता है, एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू क्लास इंटरवल। एज्यूम मीन है आपका 0.14, ये आपकी वैल्यू आई थी माइनस 31 अपॉन नीचे टोटल एफ समीशन एफ आई का 30 था इंटू आपका क्लास इंटरवल का साइज है 0.04, ये आपका आ गया 0.14। इनको जब आप सॉल्व करेंगे आपका लास्ट में आएगा 0.04133। आप इसको डिवाइड कर लीजिए या डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए, उसके बाद आपकी ये वैल्यू आने वाली है। इसको जब 0.14 में से माइनस करेंगे ये आपका आएगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन ppm। मीन निकालना था, मीन कंसंट्रेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की ये आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्लास टीचर के पास एबसेंटी जो स्टूडेंट्स एबसेंट होते हैं 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे है, आपको मीन नंबर ऑफ डेज निकालना जिसमें ये स्टूडेंट जो हैं एबसेंट थे। जैसे ये बताया है 0 से लेकर 6 डे तक कितने स्टूडेंट्स 11 थे, 11 स्टूडेंट्स एबसेंट थे, 6 से लेकर 10 डेज तक 10 स्टूडेंट्स एबसेंट थे, ठीक है। इस तरह से ये रिकॉर्ड बताया गया है, आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब वो आपकी चॉइस, आप एज्यूम मीन मेथड लगाना चाहते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड लगा देंगे, जो आपको ईजी लगता है वो मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये डाटा हमको यहाँ पे गिवन दिया गया था, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है, और मैंने यहाँ पे एक्स आई डी आई एफ आई डी आई ये मैंने यहाँ पे फाइंड करने हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं एज्यूम मीन मेथड लगा रही हूँ, क्यों? एक और रीज़न भी है यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लगाने का। आप देख सकते हैं आपके जो जो इंटरवल हैं उनमें क्लास जो साइज़ है वो सेम नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 + 4 = 10 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 40 to 20 = 6 है, 20 to 28 = 8 साइज़ है, 28 to 38 = 10 साइज़ है, 38 to 42 साइज़ है। तो क्लास साइज़ भी सेम नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्लास साइज़ भी सेम चाहिए होता है जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का मेथड अप्लाई करना हो, तो इसलिए यहाँ पे मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ करी, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड में आपके क्लास साइज़ का कोई लेना देना नहीं, एच का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्लास मार्क निकालिए, एक्स आई की वैल्यू 0 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3। अब यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, आपको सभी के निकालने पड़ेंगे, 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 आपका 8, 10 + 14 दैट इज़ 24 डिवाइड बाई 2 12, 14 + 20 34 डिवाइड बाई 2 17, 20 to 28 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 24, 28 डिवाइड बाई 2 33, 38 और 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 39। ये आपके आ गए क्लास मार्क, देख सकते हैं आप इसमें कोई भी साइज सेम नहीं, क्योंकि अगर इंटरवल सेम नहीं हो तो ये भी यहाँ पे भी इनमें भी डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आती है। यहाँ पे देखिए अब डी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होती है आपकी एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे आया, तीन टर्म ऊपर से छोड़ी नीचे से छोड़ी, बीच वाली टर्म कौन सी है 17, इसलिए आपका एज्यूम मीन है 17। 3 - 17 जब 3 में से 17 माइनस करेंगे आपका आएगा माइनस 14, 8 - 17 माइनस का 9, 12 - 17 माइनस 5, 17 - 17 0, 25 - 17 7, 33 - 17 60, 39 - 17 that is
22। उसके बाद आपने एफ आई और यू आई को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एफ आई यू आई करते जाइए मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा माइनस 154, 10 नाइन्स आर 90, 35 माइनस का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, 4 सेवन्स आर 28, 3 इंटू 16 48, 1 इंटू 22 दैट इज़ 22। अब आपने इनका भी समीशन निकालना है यहाँ पे, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया था, समीशन ऑफ एफ आई दैट इज़ योर 40। और यहाँ पे आपका जब सम करोगे, यहाँ पे सम और ऐड करके आपकी वैल्यू आएगी, सॉरी डी आएगी यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस का 181। अब आपने फाइंड करना है मीन, तो मीन का आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता है, ज्यूम मीन के केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है आपका मीन का, दैट इज समीश ज्यूम मीन तो आएगा, लेकिन सिर्फ क्लास ए साइज नहीं आएगा, एफ आई यू डी आई सॉरी यू आई की याद, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, यहाँ पे आपका डी आई ही आएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका 17 था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 181, और ये आपका था 40। जब 40 के साथ डिवाइड करेंगे आप 181 को, तो आपका आएगा 4.525। जब 17 में से इस टर्म को आप माइनस करेंगे, ये आपका आएगा 12.475, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 12.48 करके। तो ये आ गया आपका मेन नंबर ऑफ डेज, कितना था आपका 12.48। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये टेबल आपको दे रहा है, बता रहा है लिटरेसी रेट बता रहा है 35 सिटीज़ का, वो भी परसेंटेज में। आपको मेन लिटरेसी रेट फाइंड करना है, आप कोई भी मैथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लास साइज़ है वो सेम है, 10-10 की डिफरेंस है यहाँ पे, 55 to 65, 65 to 75, तो इसलिए यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड अप्लाई कर सकते हो। आप एज्यूम मीन मैथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे, सिंपल आपके लिए रहता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड ही थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन कैलकुलेशन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए लगाते हैं, ये आपको सब कुछ गिवन दिया गया था, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मैथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका क्लास साइज़ जो है वो सेम है। चलिए पहले क्लास मार्क फाइंड करते हैं, एक्स आई 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 50, 55 प्लस 65 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 60। यहाँ पे सेम ही आएगा, 10-10 की डिफरेंस आएगी क्योंकि आपका क्लास साइज सेम है, ये 90 आ गया। अब आपने डी आई फाइंड करना, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन यहाँ पे 70 क्योंकि दो टर्म ऊपर से छोड़िए, दो टर्म नीचे से, जो सेंटर वाई टर्म है वो है आपकी 70। अब 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 ज़ीरो, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। उसके बाद यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच, क्लास इंटरवल मीन्स क्लास साइज आपका 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 आ गया आपका, माइनस 20 डिवाइड बाई 2 10, माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 0, 10 डिवाइड बाई 10 20 डिवाइड बाई 10। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना, अब आपने 3 टू सा माइनस का 6, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 11 इंटू 0 0, 8 वन सा 8, 3 टू सा 6। इनका भी निकाल लीजिए लास्ट में, समीशन ऑफ एफ आई यू आई सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा माइनस 2। समीशन एफ आई आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया था, मीन निकालेंगे अभी। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास, एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन था आपका 70, ये आपका आया है माइनस 2, ये था आपका 35 इंटू क्लास साइज था आपका 10, 5 7 5 2, ये आपका आएगा 70 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 7, ये आपका आएगा 70। जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 0.57, जब 70 में से ये माइनस करेंगे ये आपका आएगा 69.43। ये आपका आ गया मेन लिटरेसी रेट इन परसेंट, इतना है लिटरेसी रेट्स आपका परसेंट में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।